विंटर सीजन जितना ही कोजी एंड कम्फर्टेबल होता है उतना ही डैमेजिंग आपकी स्किन के लिए हो सकता है स्पेशली अगर आप ड्राई स्किन हो। विंटर्स की कोल्ड एंड ड्राई एयर आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फ्लेक कर सकती है आई एम श्योर आप सबको पता होगा हाउ इट फील्स लाइक हैविंग दैट गश ऑफ कोल्ड एयर एकदम ठंडा ठंडा मौसम यू फील बट देन योर स्किन गेट्स सुपर सुपर ड्राई एंड स्टार्ट्स फ्लेकिंग होता है ना आपके साथ भी तो इसके लिए विंटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन ड्रिंक एज मच वाटर को इनफ हाइड्रेशन नहीं मिलता है तो उसके लिए विंटर्स में ना हमको अपना स्किन केयर रूटीन हमेशा बेटर करके रखना पड़ता है हैव टू यूज मोर हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे एंड आपकी स्किन फ्लेक ना करे चाहे ड्राई स्किन हो ऑयली स्किन हो सारी ही स्किन थोड़ी ड्राई होने लगती है विंटर्स के टूवर्स मैंने अभी मैं अपना स्किन केयर रूटीन भी शेयर किया था फॉर एवरी स्किन टाइप ऑयली ड्राई और कॉम्बिनेशन फॉर द विंटर सीजन तो आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो लेकिन अदर देन द नॉर्मल स्किन केयर रूटीन वीकली या फिर वीक में दो तीन बार अच्छे अच्छे वाई फेस मास्क लगा के भी आप अपने स्किन का हाइड्रेशन और मॉइस्चर अच्छे से लॉक कर सकते हो एंड आपकी स्किन ऐसी एकदम ग्लोई और चमकदार दिखेगी विंटर्स में भी एंड बिल्कुल वो ड्राई और फ्लेकी नहीं होगी तो so, यस yes, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पांच ऐसे डीआईवाई मास्क जो कि

होने वाला है कोकोनट मिल्क फेस मास्क नाव कोकोनट मिल्क जो है इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज होती है जो की आपकी स्किन को एकदम ग्लोइंग बना देता है काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग होता है तो आपकी स्किन काफी ज्यादा नरिश हो जाती है एंड ऑल्सो आपको नहीं पता होगा बट कोकोनट मिल्क हैज प्रॉपर्टीज जो की आपके आंकने को भी फाइट uh, करने में हेल्प करता है तो इट इज अ रियोली रियोली गुड फेस मास्क अभी इसको बनाने के लिए आपको चाहिए रहेगा एक कोकोनट एंड उसके साथ में आपको चाहिए रहेगा पानी अभी आपको अपने मिक्सर ग्राइंडर में एक या दो छोटे छोटे पीसेस कोकोनट के डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड करना है एंड उसमें धीरे धीरे पानी ऐड करके एक पेस्ट बना लेना है एंड देन यू विल अप्लाई इट टू योर फेस अपने पूरे फेस पे इसको अच्छे से लगा लो काफी ज्यादा ड्रिपी एंड मेसी होता है बट स्टिल अपने पूरे फेस पे इसको लगा लो आप चाहो तो इसको और ज्यादा थिन कर सकते हो पानी से. से एंड उसमें अपने कॉटन पैड्स डिप करके भी ऐसे अपने फेस पे मास्क शीट मास्क की तरह रख सकते हो ताकि वो पूरा आपके स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए एंड उसके बाद आप इस फेस मास्क को अपने फेस पे 15 मिनट्स के लिए रखो एंड देन वॉश इट ऑफ विथ कोल्ड वाटर तो ये जो कोकोनट फेस मास्क है स्टार्टिंग में जब मैं लगाती हूँ काफी ज्यादा लिक्विड एंड मैसी मैसी सा लगता है बट इवेंचुअली ये ड्राई अप हो जाता है जितना भी कोकोनट ऑयल ऑब्वियसली कोकोनट में ऑयल भी होता है तो वो पूरा मेरी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया था एंड जब ये ड्राई ड्राई से हो गया था तो फिर मैंने इसे कोल्ड वाटर से रिंस करके पैटेड आई पैटेड ड्राई माई फेस एंड माई स्किन फेल्ट सुपर 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 मॉइस्टराइज एंड द बेस्ट पार्ट वॉच की ऑयली स्किन होने के बाद भी ये मेरे फेस ज्यादा ग्रीसी नहीं लगा तो ये एक ऐसा फेस मास्क है जिसको सारे टाइप्स यूज कर सकते हैं ऑयली कॉम्बिनेशन ड्राई सारी स्किन टाइप्स इसको यूज कर सकते हैं इट इज अ रियली रियली गुड फेस मास्क एंड इसको आप एवरी डे भी यूज कर सकते हो टू हैव अ ग्लोइंग स्किन एंड इट इज जस्ट द परफेक्ट फेस मास्क फॉर द विंटर सीजन अब बढ़ते अपने सेकेंड फेस

बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर देता है ये जो कैरेट एंड हनी वाला फेस मास्क है अब इसमें जो दो इंग्रेडिएंट्स है कैरेट आपको अच्छे से हेल्प करेगा आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में एंड ऑल्सो अगर आपको टैनिंग हो गई है उसमें भी कैरेट बहुत अच्छे से हेल्प करता है एंड हनी बींग वेरी वेरी नरिशिंग इंग्रीडियंट आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो हनी में प्रॉपर्टीज होती है एंटी जो कि आपके एक्ने और जो कोमेडोन्स हो जाते हैं इनको भी रिमूव करने में हेल्प करता है ओवर टाइम तो इसके लिए आपको सिर्फ दो इनग्रीडियंट्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है कैरेट एंड हनी उसके बाद आप कैरेट को प्यूरे कर लो अपने मिक्सर ग्राइंडर में एंड देन उसमें हनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लो एंड देन अप्लाई इट ऑन योर फेस एंड देन लेट इट सिट फॉर 15 मिनट 15 मिनट के बाद आप अपनी स्किन को अच्छे से वॉश कर लो एंड पैटेड ड्राई सो so स्टार्टिंग में ये थोड़ा थोड़ा लिक्विड ही सा लगता है क्योंकि कैरेट से भी उसका जो जूस होता है वो रिमूव हो जाता है बट ओवर टाइम ये ड्राई अप हो जाता है लाइक फिफ्टीन मिनट्स में मेरी स्किन पे अच्छे से ड्राई हो गया था बट मेरी स्किन ना वो जो ऐसे एकदम क्रैकी सी ड्राई लगती है ना वैसे नहीं लग रही थी बिकॉज हनी की वजह से माई स्किन फेल्ट पेरी स्टिकी स्टिकी वाटर से रिंस करके पैड ड्राई किया था माई स्किन वॉज ग्लोइंग एंड ऑल्सो बहुत ज्यादा मेरी स्किन सॉफ्ट लगने लग गई थी प्लस इट वॉज़ वेरी वेरी हाइड्रेटेड बट इसका वाला जो हाइड्रेशन था ना वो कोकोनट वाले जैसा नहीं था इट डिड नॉट फील वेरी ग्रीसी और सुपर लाइक हैवी ऑन माई स्किन तो अगर आप ऑयली स्किन टाइप पर्सन हो एक्ने का प्रॉब्लम है तो ये फेस मास्क आपके लिए बेस्ट रहने वाला है बिकॉज इट जस्ट वॉज द राइट अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजेशन लाइक एकदम ओवर द टॉप नहीं था कि आपको लगने लगे कि यार ज्यादा हैवी हो गया है तो यस इट वॉज रियली रियली गुड आई रियली लाइक यूजिंग दिस फेस मास्क आप इसको एवरी डे भी यूज कर सकते हो नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए ये बेस्ट फेस मास्क रहेगा अब बताए ना थर्ड फेस मास्क की तरफ जो कि सबसे ज्यादा सिंपल होने वाला है इट विल बी द हनी एंड क्रीम फेस मास्क तो जैसे कि अभी हमने पिछले फेस मास्क में भी देखा हनी इज अ नेचुरल हाइड्रेंट जबकि अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और जो मिल्क या मिल्क क्रीम है वो बहुत मतलब उसमें बहुत ज्यादा ऑयल्स एंड फैट होता है तो उसकी वजह से आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू इवन आउट योर स्किन तो अगर आपके से ड्राई पैचेस हो जाते हैं विंटर्स में तो दिस फेस मास्क इज गोइंग टू तो बी द बेस्ट वन फॉर यू जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको दो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए एक है हनी एंड दूसरा है मिल्क क्रीम जिसको हम मलाई भी बोलते हैं तो दोनों आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे आपको दोनों को इक्वल क्वान्टिटी

होते हैं फिर जब मैंने वॉश कर लिया था माय स्किन फेल्ट ऐसा मतलब लाइक लिटरली बेबीज बम टाइप सॉफ्ट इतना ज़्यादा सॉफ्ट और हाइड्रेटेड फील कर रही थी मेरी स्किन लेकिन वो जो मॉइस्चर था ना लाइक वो जो मॉइस्चराइजेशन का लेवल था वो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा था बिगेन ऑयली स्किन पर्सन आई फेल्ट इट अ लिटिल टू हैवी ऑन माई स्किन तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इस फेस मास्क को आप तभी यूज करो अगर आप यू नो नॉर्मल टू ड्राई या एक्सट्रीमली ड्राई सेंसिटिव स्किन टाइप हो आपको ये फेस मास्क बहुत अच्छा लगेगा आप एवरी डे भी यूज कर सकते हो सिर्फ दो इंग्रेडिएंट है फटाफट से फेस पे लगा के एवरी डे के लिए यूल हैव दैट परफेक्ट ग्लो एंड यू नो हाइड्रेटेड स्किन ऑयली स्किन के लिए थोड़ा सा हैवी हो जाता है तो आई वुड से अगर आप ऑयली स्किन वाले हो तो इस वाले को स्किप कर देना बाकी चारों आपके भी काम के हैं चलो बढ़ते हैं अपने फोर्थ फेस मास्क की तरफ इट विल पपाया एंड मिल्क फेस मास्क अभी मिल्क तो आपको पता है नेचुरली यू नो इट इज अ गुड क्लेंजर एंड काफी अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन कर देता है एंड पपाया एंड मिल्क टुगेदर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं या आपको सन डामेज हो रखा है पिगमेंटेशन है उसके लिए पपाया एंड मिल्क वाला जो ये फेस मास्क है ये बहुत अच्छे से काम करने वाला है प्लस ये आपको इनफ हाइड्रेशन एंड मॉइस्चर देता है फॉर द विंटर्स तो इसको बनाना बहुत सिंपल है आपको चाहिए पपाया एंड मिल्क आप पपाया को मिक्सर में प्यूरे कर लो एंड उसमें मिल्क ऐड कर लो अच्छे से एक पेस्ट बना लो देन अप्लाई इट टू योर फेस एंड लेट इट ड्राई ये वाला जो फेस मास्क है ना ये नॉर्मल फेस मास्क की तरह थोड़ा ड्राई ड्राई सा लगने लगेगा आपको एंड देन यू रिंस इट ऑफ नाउ आफ्टर आई अप्लाइड दिस फेस मास्क मेरी स्किन अच्छी सॉफ्ट हो रखी थी एंड इट वॉज द राइट अमाउंट ऑफ यू नो हाइड्रेशन मुझे इससे ज़्यादा की तो जरूरत नहीं रहती डिड नॉट फील लाइक वो स्क्विकी क्लीन वैसा नहीं फीलिंग आता कि ऐसा स्किन आपका फट रही है या फिर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि मैंने बहुत सारा मॉइस्चराइजर लगा लिया था बींग एन ऑयली स्किन इट वॉज जस्ट परफेक्ट मेरा बिना मॉइस्चराइजर के भी काम चल जाता है इसके बाद सिर्फ मैं डायरेक्ट सनस्क्रीन लगाती है एंड आइट बी गुड टू गो बट आई से कि अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो आपको इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत पड़ सकती है तो आई वुड से दिस वन अगेन इज गुड फॉर लाइक नॉर्मल टू ऑयली स्किन ड्राई स्किन वाले भी लगा सकते हैं इफ यू हैव लाइक डार्क स्पॉट का प्रॉब्लम तो उसके लिए, 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 लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड यू डू नॉट हैव टू यूज़ इट एवरी डे आप इसको रोज यूज़ नहीं करोगे यूज इट टू टू थ्री टाइम्स अ वीक एंड यूड बी गुड टू गो अभी बढ़ते अपने लास्ट फेस मास्क की तरफ विच इज द बेस्ट फेस मास्क आई लव इट एंड इट विल बी द राइस फ्लावर एंड हनी फेस मास्क पर इसके नाम में दो इंग्रेडिएंट है बिकॉज ऑफ द वीडियो टाइटल बट इसमें तीन इंग्रेडिएंट्स यूज हुए थे तो इस फेस मास्क के ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तो राइस वाटर राइस फ्लावर आपको पता ही है, यूज होता है इट गिव्स दैट बूस्ट ऑफ क्लाजन टू योर स्किन आपकी स्किन से जितने भी डार्क स्पॉट्स है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है आपका सीबम प्रोडक्शन कंट्रोल करता है आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करता है फिर इसमें ओट्स हैं ओट्स से आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है या फिर यू नो इरिटेटेड है तो वो जो रैशेज रेड बर्न्स वगैरह होते हैं वो भी काम डाउन करता है, है, है लाइक like, कितनी सारी बेनिफिट्स इन तीन चीजों को मिला कर जब हम एक मास्क बनाएंगे तो जस्ट इमेजिन हाउ गुड दैट मास्क वुड बी इस मास्क को बनाने के लिए आपको सिंपली वन टेबल स्पून राइस वन टेबल स्पून ओट्स एंड टू टेबल स्पून ऑफ हनी लेना है एक बोल में मिक्स करके पेस्ट बना लो मिक्सी में पीस के एंड उसके बाद आप इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लो अगर ज्यादा थिक लग रहा है फेस मास्क तो इसमें दो से तीन ड्रॉप वाटर के डाल के आप मिक्स कर लो अच्छी कंसिस्टेंसी का बन जाएगा अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस एंड लीव इट फॉर ट्वेंटी मिनट्स 20 मिनट्स के बाद आप इस फेस मास्क को अच्छे से अपनी स्किन को स्क्रब कर सकते हो इट इज अ स्क्रब मास्क एंड आप स्क्रब करने के बाद अपनी स्किन को वॉश करो एंड पैटेड ड्राई दिस इज एन अमेजिंग फेस मास्क इसको पहली बार यूज करने से ही आपकी स्किन एकदम रेडियंट एंड आपको ना ब्राइटर दिखने लगेगी एंड यू फील लाइक वाओ वट इज दैट ग्लो ये ऐसा फेस मास्क है एंड ऑल्सो जस्ट परफेक्टली हाइड्रेटिंग फॉर ऑल स्किन टाइप्स ये फेस मास्क सबके लिए बहुत बढ़िया है एंड आई वुट हार्डली सजेस्ट कि आप इस फेस मास्क को जरूर इस वीकेंड पे यूज़ करके देखना आपको मजा ही आ जाएगा एंड ऑल्सो ये आपके जो व्हाइट हेड्स वगैरह है ना यहाँ पे यहाँ पे हो जाते हैं जो विंटर्स में तो मुझे ज्यादा ही हो जाते हैं सो so, उसके लिए भी बहुत अच्छा है फर्स्ट फर्स्ट टाइम से ही आपको डिफरेंस दिख जाएगा आपके व्हाइट हेड्स वगैरह पे एंड uh, इसको आप एवरी डे नहीं यूज कर सकते हो यूज इट वंस अ वीक बिकॉज एक्सपोलिएटिंग है तो ओवर एक्सपोलियट

like comment share and subscribe to the channel i will see you super super soon in my next video till then stay safe stay healthy bye bye